तीन साल बेमिसाल। अपने कार्यकाल में माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने सामाजिक स्तर पर कई विकासशील कार्य किए। डॉक्टर संजय जायसवाल जी के प्रगति पथ पर डालते हैं एक नजर। छावनी आरओबी का शिलान्यास करवाया, साथ ही साथ केंद्र सरकार से पूरे संसदीय क्षेत्र में 11 आरओबी का आह्वान करवाया। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र चालू करवाया। बेतिया में खुला पासपोर्ट कार्यालय, जिससे लाखों लोगों को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर। कुमारबाग एवं रामगढ़वा में रेलवे ट्रैक बनवाया। नक्सलाइट फंड के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण को प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए का अनुदान दिलवाया। चनपटिया रेलवे स्टेशन का कंप्यूटराइजेशन करवाया गया। बेतिया शहर को अमृत योजना में शामिल करवा कर प्रतिवर्ष 20 करोड़ का अनुदान दिलवाया। बेतिया से रतावाल भाया योगा पट्टी तक के जर्जर पथ के निर्माण हेतु माननीय श्री नितिन गडकरी जी से सेंट्रल रोड फंड से 80 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दिलवाई। अल्पसंख्यक कल्याण योजना के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिलवाया। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत पूर्वी चंपारण के हर प्रखंड को 10 करोड़ रुपए का अनुदान दिलवाया। बेतिया में कृषि महाविद्यालय खुलवाने पर केंद्र की मंजूरी। संसदीय क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों को कुर्सी एवं बेंच प्रदान किया गया। बंजारिया एवं वन कटवा प्रखंड में अस्पताल चालू करवाया गया। सड़क एवं पुल का निर्माण, छपवा से मनवा पुल सड़क का निर्माण किया गया। बेतिया से रक्सौल तक सड़क का निर्माण होने पर है। पखनाह से तुम कहीं सड़क में गंडक नदी पर पुल का निर्माण करवाया। सांसद मित्र प्रोग्राम, निजी स्तर पर सांसद मित्र प्रोग्राम चलवाकर निम्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण योजना, महीने के हर 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं का मुफ्त चेकअप एवं दवाई वितरण किया जा रहा है। हर महीने करीबन 250 से लेकर 325 महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। जनता जागरूकता अभियान, नगर परिषद इलेक्शन में वार्ड आयुक्त की भूमिकाओं से लोगों को अवगत करवाया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में बेतिया की भागीदारी को बढ़ाने हेतु ऑनलाइन कैंपेन चलाई गई। किसान विकास मिशन, एनवायरमेंट डिफेंस फंड एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था एवं फॉर्म्स एंड फार्म्स के साथ मिलकर पंचायत स्तर पर डी हार्ट सेंटर खोला जा रहा है, जिसके अंतर्गत किसानों को सुविधाएं एवं जानकारियों के साथ साथ परामर्श भी दिया जाता है। सत्याग्रह 2017, चंपारण सत्याग्रह शताब्दी के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार एवं निजी कंपनियों से पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के लिए ढेर सारी सुविधाओं एवं योजनाओं की मांग की जा रही है। कतार में परियोजना, बेतिया रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण एवं सौंदर्यकरण, छोड़ा दानो एवं आदापुर रेलवे स्टेशन को कंप्यूटराइज्ड करवाना। संसदीय क्षेत्र में मौजूद हर रेलवे स्टेशन पर 300 से अधिक 3 सीटर बेंच कुर्सी लगवाना। संसदीय क्षेत्र के 187 पंचायतों में चौक और चौराहों पर 1500 से अधिक सोलर एलईडी लाइट लगवाना। रक्सौल बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट चालू करवाना। बेतिया स्टेशन चौक पर राजकुमार शुक्ला जी का मूर्ति लगवाना। रक्सौल एयरपोर्ट का रिनोवेशन एवं हवाई सेवा चालू करवाना। नीति आयोग के साथ क्षेत्र में 4000 बायोगैस प्लांट करवाना। संसद में अहम मुद्दों पर सवाल उठाया। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, आंगनवाड़ी सेविकाओं को मिल रहे कम मुआवजा के ऊपर। छपवा से मनवा पुल तक सड़क के बारे में, लोरिया के सड़कों को बुद्धा सर्किट में शामिल करने के लिए। गंडक नदी पर पखनाहा पुल बनाने के संदर्भ में सीमा क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत देश में विशेषकर बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में हुए या हो रहे अनियमितताओं के संबंध में सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए गोपालगंज से यादवपुर, मंगलपुर, जगदीशपुर, नानोसती से सुगौली तक नेशनल हाईवे 28D के निर्माण के संबंध में। जी हां, ये वो मुद्दे थे जिनको उन्होंने संसद में उठाया। भोजपुरी को संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल करने के संबंध में गोपालगंज से
मंगलपुर, जगदीशपुर, नानुसती, सुगोली होते हुए रक्सोल तक के पथ को राष्ट्रीय उच्च पथ में अधिग्रहण कर नेशनल हाईवे 28 डी के निर्माण से 60 किलोमीटर की दूरी कम होगी तथा समय की भी बचत होगी। उपरोक्त सभी मामले लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उठाए। 3 साल बेमिसाल।